मंडलायुक्त और जीडीए के अध्यक्ष जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक शुक्रवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, जीडीए वीसी अनुज सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सचिव जीडीए राम सिंह गौतम सहित संबंधित अधिकारी और बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना लोहिया एनक्लेव के 400 से अधिक आवंटियों को राहत दी गई। 2 साल तक दौड़ लगाने के बाद सफलता मिल गई है। बैठक में तय हुआ कि आवंटियों को फ्लैट की सशर्त रजिस्ट्री करा दी जाए। हालांकि इस रजिस्ट्री की अंतिम स्थिति पूरी वैधता रामगढ़ताल वेटलैंड के मामले में एनजीटी का फैसला आने के बाद ही तय होगी। साथ ही लोहिया एनक्लेव के रंग रोगन और बाकी बचे निर्माण कार्य भी 10 से 15 दिन में पूरा कराकर आवंटियों को कब्जा देने की कार्रवाई भी पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में जीडीए के सीमा विस्तार के दौरान प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हुए नए 233 गांवों की भी महायोजना तैयार करने का जीडीए बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान यह भी तय हुआ है कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय की डिजाइन आदि तैयार करने के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट जीडीए के चीफ इंजीनियर नामित करेंगे। लोक निर्माण विभाग और आवास विकास परिषद के नियमों के तहत एक कंसल्टेंट का चयन होगा और उसी के हिसाब से उन्हें फीस आदि दी जाएगी। पहला सर इसमें एक सदर प्रस्ताव संख्या है कि गोरखपुर जिला का सभी मानवीय सदन जन्म दिया गया था सदन बैठक में मानचित्र स्वीकृत की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाए। इस संबंध में कार्यक्रम बोर्ड के समग्र उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अत्यावधिक स्थिति तक हुई कार्यवाही से अवगत कराया गया, जिस पर निर्देशित किया गया कि विस्तृत अनुपालन नक्शा आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए। द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में अवगत कराना कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यूपीओवी प्लस पोर्टल पर प्राप्त तकनीकी रूप से मानचित्रों का निष्कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किए जाते रहे हैं। मानचित्र से आए सर और ये सर 19-20 में 1082.42 था सर, और इस वित्त वर्ष में सर अब तक दिसंबर तक से हमारा 1187.54 हो रहा है। हमारे सर तो भारी नियोजन है सर, इसमें उसी में लिखा हुआ है लोइस में आए हैं, इसमें 45 पास किए गए हैं और 2 जो हैं वो पेंडिंग है। 17 में शॉर्टफॉल है, उसमें बेसिक शॉर्टफॉल सर तो जो हमारा रामगढ़ताल के परिधि में आते हैं मेनली वही है सर, और सर जो हाई ओवी पास है उसमें सर 54 मार्कशीट आए हैं सर, उसमें से 28 पास हुए हैं और 6 उसमें रिजेक्ट हुए हैं। ये सर मेरी विधिकरण के कारण रिजेक्ट हुए हैं सर, सितंबर 2020 तक सर, और जो है 2 अप्रूव हुए हैं। ये सर पुरानी वाली है सर, और सर अभी 31 दिसंबर के आकर टोटल जो है सर हाई निवेश में 16 टोटल हुए हैं सर, और उसमें से सर 1 रिजेक्ट है, 5 में शॉर्टफॉल है, और सर 3 प्रोग्रेस में 7 अप्रूव हुए हैं सर। नेक्स्ट पेज पे है सर, ये जो फाइन दिस वाले हैं इसकी क्या दी है, कितने दिन है इसकी फोर्थ में? हाँ जी सर, नेक्स्ट पेज पे है सर। शॉर्ट फॉल कोई उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है ड्राइंग में या कोई डॉक्यूमेंट जो है उसने अपलोड नहीं किया तो शॉर्टफॉल में जाता है, फिर सर वापस उसको वो एस्टिमेट करके दोबारा अपलोड करते हैं, तो रिजेक्ट में सर वो वन टाइम रिजेक्ट ही हो गया, उसको जो है वो फाइल जो है प्रोसेस नहीं होगी सर। और बाकी क्या गया के पास जो है पेंडिंग में है और 7 जो है सर रिजेक्टेड है ड्यू टू दैट बिजली डिलीवरी करना है। आपकी जो फोटो जो है इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है तो कैसे करना है सर? जो 42 है सर इसमें सर डेडलाइन है सर हमारे पास 15 दिन की सर टोटल सर, तो वो सर विद इन टाइम हम लोग उसको जो है शॉर्टफॉल लगा के सर वापस कर देते हैं सर। हम अक्टूबर से दिसंबर की रिपोर्ट में सर 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 तो आप कहना ही चाहते हैं कि जो 42 है वो 1 दिसंबर के बाद ये सर जो है जो प्रोसेस में है सर ये जो प्रोसेस में है जी सर उनको भी आप निर्धारित करिए रिजेक्ट करिए शॉर्टफॉल है उनको सर ये पेंडेंसी विद इन टाइम फ्रेम ही है सर, उससे ज़्यादा नहीं है।